कहां कहां लगे हुए हैं उसके बारे में अगर अपन देखते हैं, तो इसमें आप देखें तो सामने की ओर ये लिखा हुआ है कैब नंबर वन और इस तरफ लिखा हुआ है कैब नंबर टू। कैब की पहचान करने के लिए लोगों के ऊपर अगर हम जाते हैं और बाहर से जानना चाहते हैं कि कौन सी कैब किस तरफ है, कैब वन किधर है और कैब टू किधर है, लिखा हुआ है तो हम पढ़कर पहचान लेते हैं, लिखा हुआ नहीं है तो उसकी पहचान के लिए आप देखें कैब वन की ओर से जहाँ लेफ्ट साइड ड्राइव है तो यहाँ ड्राइवर साहब खड़े होते हैं, इसके पीछे से कॉरिडोर में आने का रास्ता है जहां से हम कैब टू की ओर जाते हैं। तो ये जब कैब वन से कैब टू की ओर आते हैं लोको पायलट के पीछे से तो जो कॉरिडोर है वो कहलाती है कॉरिडोर नंबर वन, और अगर कैब वन से कैब टू की ओर एएलपी के पीछे से जाते हैं तो जो कॉरिडोर है वो कहलाती है कॉरिडोर नंबर टू। जो हमारे रूफ इक्विपमेंट जिनकी हमने सुबह चर्चा की थी, ओएचई की सप्लाई पेंटोग्राफ से होती है, रूफ इक्विपमेंट के थ्रू डीजे में आती है और डीजे के थ्रू ट्रांसफार्मर तक आती है, तो जो रूफ इक्विपमेंट लगाकर रखे गए हैं हमारे लोकोमोटिव की छत के ऊपर वो सारे के सारे कॉरिडोर नंबर वन के ऊपर लगे हुए, जो रूफ बार लगी है वो कॉरिडोर नंबर वन के ऊपर लगी हुई। तो यदि हम बाहर से नीचे खड़े होकर के भी हम ये जानना चाहें कि कैब नंबर वन कहाँ है, तो अगर हम लोगों की छत के ऊपर देखें और हमारी ओर अगर रूफ इक्विपमेंट लगे हुए हैं तो हमारे लेफ्ट साइड में कैब नंबर वन है और राइट साइड में कैब नंबर टू है। और अगर हम देख रहे हैं और रूफ इक्विपमेंट नहीं दिख रहे हैं, हमारी ओर रूफ इक्विपमेंट नहीं है यानी कि दूसरी ओर है, तो हमारे लेफ्ट साइड में कैब नंबर टू होगी और राइट साइड में कैब नंबर वन होगी। तो बाहर से ही हम पहचान सकते हैं कि हम किस कैब में हमें जाना है और कहां से जाना है, ताकि जब हम लोगों पर चढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें बैटरी ऑन करना पड़ता है और जिसका एचबीएस स्विच जो है वो स्विच बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है जो कि कैब नंबर दो के अंदर होता है। तो अगर हमें पहचान नहीं रहेगी, कैब का नंबर लिखा नहीं है और हम गलत कैब में चढ़ गए, दिन का समय कोई दिक्कत नहीं, रात के अंधेरे में अगर चढ़ गए तो अंदर से कॉरिडोर में जाने के लिए अंधेरा रहता है, ऐसे समय में बैटरी ऑन करना पड़ता है लाइट चलाने के लिए, तो उस स्थिति में हम सीधा कैब नंबर दो में जाए, एचबीएस ऑन करें, कॉरिडोर लाइट्स जलाएं और उसके बाद फिर कैब के अंदर जाकर बाकी काम कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं। तो ये कॉरिडोर वन और कॉरिडोर टू की बात हुई। अब कैब वन में सबसे आसान आगे की ओर आपने देखा ड्राइवर डेस्क लगा हुआ होता है, कंट्रोल डेस्क, जहां पर खड़े होकर लोको पायलट गाड़ी को ड्राइव करते हैं, कंट्रोल करते हैं लोको। तो उस कंट्रोल डेस्क की बात हम आगे करते हैं कि उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, उसके बाद हम कैब वन से बात करते हैं कि कैब वन के अंदर हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स मिलते हैं। तो कैब वन के अंदर लोको पायलट और एएलपी के बीच में एक केबिन बना हुआ है, कैबिनेट बना हुआ है, वो कहलाता है टीपीएन वन कैबिनेट। टीपीएन वन कैबिनेट के अंदर जब हम दरवाजा खोलते हैं उसका, तो उस कैबिनेट के अंदर हमें बेबी कंप्रेसर मिलता है, इमरजेंसी रिजर्वायर मिलता है, बेबी कंप्रेसर यानी एमसीपीए उसे चलाने का उसका स्विच जेडसीपीए वही मिलता है, इमरजेंसी रिजर्वायर, बेबी कंप्रेसर के साथ लगा हुआ सेफ्टी बार जो कि 8.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेट रहता है। बेबी कंप्रेसर की मदद से हम इमरजेंसी रिजर्वायर के अंदर 6 केजी से 8.5 केजी के बीच का प्रेशर बना लेते हैं और उस प्रेशर को दिखाने का गेज इमरजेंसी रिजर्वायर के ऊपर ही लगा हुआ है, जिसमें उस इमरजेंसी रिजर्वायर के अंदर बने हुए प्रेशर की मात्रा दिखती रहती है। साथ ही साथ वहां एक ड्रेन कॉक लगा हुआ है, ड्रेन पर लगा हुआ है, जिससे हम मॉइस्चर वगैरह को ड्रेन कर सकते हैं। तो लोको इनर्जाइज करने के लिए सबसे पहले हमें इमरजेंसी रिजर्वायर के अंदर प्रेशर की जरूरत होती है और लोको इनर्जाइज करने से पहले हम बेबी कंप्रेसर की मदद से कम 6 केजी प्रेशर बना लेते हैं, उसके बाद ही हम पेंटो को रेस और डीजे को क्लोज करने की प्रोसेस करते हैं। तो गेज में हम प्रेशर देख लें और यह सब कहां मिलेगा, कैब नंबर वन के अंदर टीपीएन वन में। अब बेबी कंप्रेसर चलाने के लिए उसका स्विच तो टीपीएन वन में मिलेगा, लेकिन वो चलता है बैटरी की सप्लाई से और बैटरी की सप्लाई चलाने के लिए हमें एचबीएस स्विच जो कि बैटरी का स्विच है उसे ऑन करना जरूरी होता है और वो स्विच कहां लगा हुआ है, कैब नंबर दो टीवी पैनल के ऊपर, स्विच बोर्ड के ऊपर। तो इसलिए हमेशा हमें कैब नंबर दो में जाकर के पहले एचबीए ऑन करना पड़ता है, उसके बाद हम कैब नंबर एक में जाकर के बेबी कंप्रेसर को चलाकर इमरजेंसी रिजर्वायर का प्रेशर तैयार करते हैं। उसके बाद देखें आप अगर उसी कैब के अंदर लोको पायलट के पीछे टीपीएन टू दिख रहा है, ये टीपीएन टू ये भी एक कैबिनेट बना हुआ है, अगर इसका दरवाजा खोलते हैं तो इसके अंदर आपको ब्रेक सिस्टम से संबंधित सारे वाल्व्स मिलते हैं। इन गाड़ियों में IRAB1 ब्रेक सिस्टम लगाया गया है, तो IRAB1 ब्रेक सिस्टम से संबंधित जो भी वाल्व्स हैं, MU2B वाल्व, F1 सेलेक्टर वाल्व,
लिमिटिंग वाल्व, वो सारे के सारे वाल्व आपको इस TPN2 के अंदर मिलते हैं। ALP के पीछे की ओर अगर आप देखते हैं तो ALP के पीछे की ओर TPN3 है, वहां भी एक पैनल है, कवर बोलते हैं उसे बोलते हैं TPN3। और TPN3 के अब दो पार्ट में भागा बांटा गया है, ऊपर का जो पार्ट है वो एम्प्टी है, खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, और नीचे वाले पोर्शन में हैंड ब्रेक लगा कर रखा गया, हैंड ब्रेक असेंबली लगी हुई है। तो हैंड ब्रेक ऑपरेट करने के लिए अगर हमें जरूरत होती है तो कैब नंबर 1 में ALP के पीछे TPN3 में हमें हैंड ब्रेक मिलता है। ये नॉर्मल लोगों की बात हो गई। यदि लोगों को मॉडिफाई किया गया, कैब के स्पेस को बढ़ाया गया है, तो ये सारी चीजें TPN1, TPN2, TPN3 को हटा दिया गया और ये सारे आइटम्स कैब 1 के पीछे चले गए। तो कैब 1 के पीछे जब हम लोको पायलट की साइड में जाएंगे तो हमें वहां कैब 1 के पीछे इस पोर्शन में जो एक खाली जगह दिख रही है, यहां पर हमें मिलता है बेबी कंप्रेसर, ZCPS स्विच, उसका रिजर्वायर, गेज, RL का, और यही मिलता है पैनल के ऊपर लगा हुआ IRAB1 ब्रेक सिस्टम, जिसे पैनल माउंटेड ब्रेक सिस्टम बोलते हैं। तो ब्रेक सिस्टम से संबंधित सारे वाल्व का उस पैनल के ऊपर हमें मिल जाता है। हैंड ब्रेक को TPN3 से निकालकर यही ALP साइड में कॉरिडोर नंबर 2 की साइड में कैब की दीवार के ऊपर लगाकर दिया गया है, जहां से हैंड ब्रेक को ऑपरेट किया जा सके। तो ये TPN1, TPN2 और TPN3 के बारे में। इसके बाद जब हम कॉरिडोर नंबर 1 में आए या कैब के पीछे आते हैं, तो कैब के पीछे आने पर कैब नंबर 1 के पीछे हमें कुछ ऑक्सिलरी मशीन्स मिलती हैं। कैब 1 के पीछे जो ऑक्सिलरी मशीन्स मिलती हैं उनके नाम लिखे हुए हैं MCP1, MCP2 और MCP3, CP कंप्रेसर और M फॉर मोटर। तो ये मोटर ड्रिवन कंप्रेसर, कंप्रेसर नंबर 1, कंप्रेसर नंबर 2 एंड कंप्रेसर नंबर 3 मेन कंप्रेसर कहलाते हैं, जो MR प्रेशर बनाने के काम में इस्तेमाल होते हैं। इसी के साथ यहां देखें आप एक और मशीन दिख रही है आपको, MVMT1। MVMT1 सुबह हमने आपको बताया था कि MV का मतलब क्या होता है, TM फॉर ट्रैक्शन मोटर और MV मोटर। तो ये ट्रैक्शन मोटर की ब्लोअर मोटर है एक नंबर, और ये किस तरफ लगी हुई है, कैब नंबर 1 के पीछे। तो कैब नंबर 1 के नीचे जो बोगी रहती है उसे बोलते हैं बोगी नंबर 1, और बोगी नंबर 1 में जो ट्रैक्शन मोटर लगी रहती है वो कौन-कौन से नंबर की रहती है, 1 2 और 3। तो ये जो ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर मोटर है, ये बोगी नंबर 1 की मोटर्स को हवा भेजकर हवा के द्वारा ठंडा करवाने का काम करती है। और डीजल लोको में ये काम कौन सी मशीन करती है, FTTM के द्वारा ये काम डीजल लोको में किया जाता है। ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 2 3 को हवा के द्वारा ठंडा किया जाता है, वो काम एसी लोको या WAG5 लोको में आप देख रहे हैं, उसके लिए MVMT1 इलेक्ट्रिकल ब्लोअर मोटर लगा रखी गई है, और इस मोटर के द्वारा ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 2 3 को हवा भेजकर हवा के द्वारा उन्हें ठंडा करने का काम किया जाता है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो देखें कि ये लाइट ब्लू कलर का आपको पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो दिख रहा है ये कहलाता है हाई टेंशन कंपार्टमेंट। इसके अंदर वो सारे इक्विपमेंट्स लगाकर रखे हुए हैं जिनके अंदर ट्रैक्शन पावर जनरेट करने वाली सप्लाई खींची जाती है। OHE से आने वाली सप्लाई सीधा मेन ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग के अंदर, ग्रेजुएटर से ऑपरेट करने के बाद पावर ट्रांसफार्मर के अंदर, वहां से सेकेंडरी उसकी TFP1 एंड TFP2, और TFP1 और 2 से RSI ब्लॉक, SL पावर कॉन्टेक्टर, J1 J2 रिवर्सर, इनके थ्रू सप्लाई ट्रैक्शन मोटर को जाती है। तो जहां जहां ट्रैक्शन मोटर को जाने वाली सप्लाई भेजी जा रही है, पावर सप्लाई भेजी जा रही है, उनमें हाई वोल्टेज सप्लाई रहती है, तो उन सारे इक्विपमेंट्स को हाई टेंशन कंपार्टमेंट के अंदर रखा गया है, या जहां लगाकर रखे गए हैं उस कंपार्टमेंट को बोलते हैं हाई टेंशन कंपार्टमेंट। और इस कंपार्टमेंट को जो ये आपको लाइट ब्लू कलर का पोर्शन दिख रहा है, एक जाली के केज के अंदर पूरा बंद करके रखा गया है, जिसमें दरवाजे दिए गए हैं, उन दरवाजों के द्वारा आप इसके अंदर जा सकते हैं। लेकिन हाई टेंशन कंपार्टमेंट के अंदर जाने से पहले आपको सावधानी बताई गई, सुबह पढ़ाया गया था सुरक्षा क्या रखनी है, लोको को ग्राउंड करने के बाद ही हम हाई टेंशन कंपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, क्योंकि वहां हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, इसलिए बिना लोको को ग्राउंड किए हुए हाई टेंशन कंपार्टमेंट के अंदर नहीं जाते। अब हाई टेंशन कंपार्टमेंट के अंदर लगा क्या क्या है, तो आपको यह तो मालूम हो गया कि पावर सप्लाई ट्रैक्शन मोटर तक भेजने वाले सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं,
लेकिन कहां पर क्या लगा हुआ है तो उसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो ये देखें आप BA1 पैनल आपको दिख रहा है। इस BA1 पैनल के अंदर J1 रिवर्सल नंबर 1 और CTF1 फ्रैक्शन एंड ट्रैक्शन कॉन्टेक्टर नंबर 1 लगाकर रखे गए। ये दोनों ड्रम कॉन्टेक्टर हैं और इलेक्ट्रोन्यूमेटिक टाइप के कॉन्टेक्टर्स होते हैं J1 एंड CTF1। उसके अलावा यहां देखें आप ATFEX फ्रैक्शन एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर फॉर फ्रैक्शन एक्साइटेशन। डायनामिक ब्रेकिंग के दौरान ट्रैक्शन मोटर की फील्ड को एक्साइटेशन करवाने के लिए जो सप्लाई जाती है वो इसी ट्रांसफार्मर की मदद से भेजी जाती है। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डायनामिक ब्रेकिंग के दौरान ट्रैक्शन मोटर की फील्ड को एक्साइटेशन सप्लाई देने के लिए किया जाता है। उसके बाद आप आगे देखें तो ये MVRF लगा हुआ है, फ्रैक्शन रेजिस्टेंस ब्लोअर मोटर। डायनेमिक ब्रेकिंग के दौरान जो जनरेटेड करंट होती है फ्रैक्शन मोटर के अंदर, उसे डीजल लोको में कहां ले जाते थे, ग्रिड्स में, और ग्रिड्स में ले जाकर उसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके BKBL के द्वारा हवा के साथ वातावरण में भेज दिया जाता था। उसी तरीके से एसी लोको में भी डायनेमिक ब्रेकिंग ग्रिड्स लगी हुई है, उन ग्रिड्स के अंदर जब जनरेटर करंट जाएगी तो ग्रिड्स में हीट एनर्जी जनरेट होगी, उस हीट एनर्जी को एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर करने के लिए यहां जो मोटर लगाई है वो कहलाती है फ्रैक्शन रेजिस्टेंस ब्लोअर मोटर। और ये मोटर जनरेटेड सप्लाई ट्रैक्शन मोटर के द्वारा डायनेमिक ब्रेकिंग के दौरान जो सप्लाई जनरेट होती है उसी से चलती है। तो ये ब्लोअर मोटर है, इसके लिए फ्रैक्शन रेजिस्टेंस की कूलिंग के लिए हवा के द्वारा उसे ठंडा करती है। ये काम डीजल लोको में कौन सी मशीन कर रही थी, कौन सी मोटर है, BKBL के द्वारा यही काम होता था। और BKBL में भी सप्लाई कहां से जाती थी, वही की वही सप्लाई जाती थी जो डायनेमिक ब्रेकिंग के दौरान ट्रैक्शन मोटर से जनरेट होती थी, जो ग्रिड्स में भेजते थे उसी सप्लाई से BKBL मोटर को भी चलाया जाता। तो वैसे यहां पर है BKBL की जगह MVRF है, डायनेमिक ब्रेकिंग के दौरान यह ब्लोअर चलता है, डायनेमिक ब्रेकिंग के दौरान ट्रैक्शन मोटर में जनरेटेड करंट से ही चलता है, और ब्लोअर ग्रिड्स को जो है डायनेमिक ब्रेकिंग ग्रिड्स को हवा के द्वारा ठंडा करने का काम करता है। उसके बाद देखें आप ये नेक्स्ट कंपार्टमेंट जहां HTC2 लिखा हुआ है, ये HTC1 था, उसके बाद ये HTC2 लिखा हुआ है। इसके अंदर आप देखें ये ट्रांसफार्मर, मेन ट्रांसफार्मर यूनिट दिख रही है। इस मेन ट्रांसफार्मर यूनिट की हाउसिंग के अंदर मेन ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग, जिसकी सुबह चर्चा हुई थी, TFWR मेन बाइंडिंग, उसके बाद TFP पावर ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग, TFP1 TFP2 पावर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी बाइंडिंग, TFWA ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग, ये सारी की सारी बाइंडिंग एक ही हाउसिंग के अंदर लगाकर रखी गई है। और इस ट्रांसफार्मर को डीजे क्लोज करने पर OHE से जो सप्लाई पेंटोग्राफ रूफ पर डीजे के थ्रू आ रही थी, वो सप्लाई आपने देखा था, वो साइड में आपके पास अभी भी OHE से ट्रैक्शन मोटर तक का फीडिंग सर्किट बना हुआ है। इसमें आपने देखा था कि OHE से जो सप्लाई आती है वो पेंटोग्राफ रूफ बार डीजे क्लोज होने पर डीजे के कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसफार्मर मेन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में आती है। जब वो सप्लाई मेन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में आ गई उसे चार्ज कर देती है, तो ग्रेजुएटर के द्वारा नाच लेने पर मेन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होते रहते हैं, उनके अनुसार TFP जो ट्रांसफार्मर है पावर ट्रांसफार्मर या ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर, उसकी वाइंडिंग चार्ज होती है और उससे TFP1 TFP2 चार्ज होकर सप्लाई RSI SL लाइन कॉन्टेक्टर रिवर्सर के थ्रू होती हुई ट्रैक्शन मोटर तक जाती। तो ये जो मेन ट्रांसफार्मर है इसके अंदर आपने देखा सीधा OHE की सप्लाई पेंटोग्राफ रूफ बार डीजे की मदद से आती है। तो यहाँ कितनी हाई वोल्टेज सप्लाई है, 25 kV की सप्लाई जो हम सीधा OHE से ले रहे थे, तो इतनी ज्यादा हाई वोल्टेज की सप्लाई के इक्विपमेंट के कांटेक्ट में यदि कोई व्यक्ति आता है तो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो उसकी फील्ड जनरेट होती है इंडक्टिव फील्ड उसके बीच कांटेक्ट में भी आ गए तो आपकी बॉडी में करंट लग सकता है, आपको शॉक लग सकता है। इसीलिए इन कंपार्टमेंट्स के अंदर जो भी इक्विपमेंट्स लगाकर रखे गए, चूंकि वो हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स है इंडक्शन इफेक्ट ज्यादा रहता है, इसलिए बिना ग्राउंड किए हुए इन कंपार्टमेंट के अंदर जाने की मना है। इसी के ऊपर आप देखें टैप चेंजर लगा हुआ है जिसके द्वारा नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करते हैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के, जिससे आउटपुट वेरी होता है।
और इस टैप चेंजर को ऑपरेट करने के लिए SMGR सर्वो मोटर फॉर ग्रेजुएटर, इस टैप चेंजर की सर्वो मोटर लगाकर रखी गई है जो कि इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ऑपरेशंस, इलेक्ट्रिकल सप्लाई मैग्नेट वाल्व ऑपरेट होने पर सर्वो मोटर को हवा की सप्लाई जाती है और सर्वो मोटर के द्वारा टैप चेंजर को ऑपरेट करवाया जाता है, ग्रेजुएटर को ऑपरेट करवाया जाता है। उसके बाद आप इसी में ऊपर की ओर देखें कॉरिडोर नंबर 2 की ओर, तो ये हाई टेंशन कंपार्टमेंट की बाहर की दीवार पर कॉरिडोर नंबर 2 की ओर ऊपर की ओर लगा हुआ ZSM स्विच है। ये इस सर्वो मोटर की सप्लाई लाइन के ऊपर लगा हुआ स्विच है। यदि कभी किसी भी स्थिति में MP फेल हो जाए, जिसके द्वारा हम नाच लेने का काम करते हैं, मास्टर कंट्रोलर फेल हो जाए, उस स्थिति में इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल जो BPP प्रोग्रेशन के लिए और BPR रेगुलेशन के लिए पुश बटन के द्वारा किया जाता है, जिसकी सुबह चर्चा हुई थी, उन BPP या BPR के द्वारा जब प्रोग्रेशन और रेगुलेशन करवाना है तो इस ZSM स्विच की पोजीशन को चेंज करना पड़ता है। नॉर्मल कोर्स में वर्टिकल पोजीशन में रहता है, वर्टिकल से इसे हॉरिजॉन्टल करना पड़ता है। यह पुराने लोगों में जब नए लोग आए थे उस समय की बात थी, आज के समय में इसे मॉडिफाई कर दिया गया है। चाहे MP से नाच लेना हो या EEC से कंट्रोल करना हो, दोनों स्थिति में ZSM की किसी भी पोजीशन के ऊपर नाचेस आते हैं। उसके बाजू में एक MOM है, मैनुअल ऑपरेशन हैंडल है, शाफ्ट है। यह जो ग्रेजुएटर है उसकी शाफ्ट थोड़ी सी बाहर की ओर प्रोजेक्टेड है कॉरिडोर नंबर 2 की ओर। उस शाफ्ट के ऊपर यदि MP और EEC दोनों फेल हो जाए, मास्टर कंट्रोलर भी फेल हो गया और इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल कंट्रोलर भी फेल हो गया, ऐसे समय में सेक्शन क्लियर करने के लिए या ग्रेजुएटर नाचेस पर अटका हुआ है तो उसे जीरो पर लाने के लिए सर्वो मोटर ग्रेजुएट जो ग्रेजुएटर है उसका हम मैनुअल कंट्रोल लेते हैं। तो मैनुअल कंट्रोल में शाफ्ट को ZSMGR हैंडल लगाकर 6 डिग्री की पोजीशन से 6 डिग्री की पोजीशन पर अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एक नाच फॉरवर्ड होता है, और अगर 6 डिग्री की पोजीशन से 6 डिग्री की पोजीशन रिवर्स घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो एक नाच बैक होता है। इसे बोलते हैं मैनुअल कंट्रोल ऑफ ग्रेजुएटर, मैनुअल कंट्रोल के द्वारा नाच लेना या बैक करना। और ये काम जो एक नाच लेने का है मैनुअल कंट्रोल के द्वारा, ये 0.6 सेकंड में पूरा हो जाना चाहिए। यदि 0.6 सेकंड में हैंडल 6 बजे की पोजीशन से वापस 6 बजे की पोजीशन पर नहीं आया तो रिले Q44 डी एनर्जाइज होकर DJ को ट्रिप करवा देती है। तो यहां यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप मैनुअल कंट्रोल ले रहे हैं उस दौरान चाहे प्रोग्रेशन कर रहे हो या रिग्रेशन कर रहे हो, नाच बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, हैंडल पूरा 360 डिग्री कितनी देर में घूम जाना चाहिए, 0.6 सेकंड। वेरी गुड। इसी के दूसरी ओर देखें कॉरिडोर नंबर 1 की ओर, तो वहां आपको दिख रहा है BB बॉक्स, ये दिख रहा है। इस BB बॉक्स के अंदर HOM हैंडल लगा हुआ है, एक मैनुअल हैंडल है, अर्थिंग हैंडल कहलाता है। जिस हैंडल को ऑपरेट करने से इसके 2 कांटेक्ट हैं जो नोको की छत पर लगे हुए हैं। एक कांटेक्ट के द्वारा रूफ इक्विपमेंट ग्राउंड होते हैं और दूसरे कांटेक्ट के द्वारा मेन ट्रांसफार्मर को ग्राउंड करने का काम किया जाता है। लोको हमने भी आपको बताया था ग्राउंड किए बिना हम हाई टेंशन में नहीं जा सकते, ग्राउंड करने का अपना पूरा प्रोसीजर है जो आगे आएगा आपको बताया जाएगा। ग्राउंडिंग के दौरान जब हम लोग को ग्राउंड कर रहे होते हैं तो इसी BB बॉक्स में लगे हुए HOM हैंडल को ऑपरेट करके हम रूफ इक्विपमेंट और मेन ट्रांसफार्मर दोनों को ग्राउंड करवाने का काम करते हैं। जब हम इस HOM हैंडल को ऑपरेट कर देते हैं, नीचे से ऊपर की ओर उठा देते हैं, तो इसके साथ लगी हुई फिचेट की वो फ्री हो जाती है। और हमने आपको बताया था कि उन फिचेट की के माध्यम से ही यदि हमारे हाई टेंशन कंपार्टमेंट के डोर के लॉक बराबर हैं तो बिना फिचेट की के खुलते नहीं है। तो हमें अगर हाई टेंशन में जाना है तो लोको ग्राउंड करना जरूरी है। जब तक लोको ग्राउंड नहीं होगा दरवाजा खोलने की फिचेट की जो है वो हमें नहीं मिलेगी, और वो फिचेट की मिलने के बाद ही हम दरवाजा खोल सकते हैं। तो फिचेट की लेकर के हम दरवाजा खोलते और अंदर जाते हैं, और ऐसे समय में हमें जितनी फिचेट की जरूरत होती है, 3 दरवाजे हैं हाई टेंशन में, तो अगर हमें सभी खोलना है तो 4 की चारों फिचेट की हम निकाल लेते हैं, ताकि एक एक अगर हम दरवाजे में लगा दें तो भी चौथी जेब में पड़ी रहे। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है और वो देखता है हम कहीं अंदर है दिख नहीं रहे और उसने दरवाजे बंद करके फिचेट की निकाली और सिस्टम में लगा दी और जो हमने ग्राउंडिंग करके रखा था लोगों को उसे अनग्राउंड कर दिया, दोबारा लोगों को चार्ज कर दिया, DJ क्लोज कर दिया, तो हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है।
इसलिए हमें जितनी फिचेट की जरूरत होती है उससे एक ज्यादा हमेशा निकालते हैं, जो कि हमेशा अपनी जेब के अंदर रखी है, ताकि कोई भी दूसरा व्यक्ति उस लोगों को तब तक एनर्जाइज ना कर पाए जब तक हम बाहर आकर के फिचेट की वापिस ना ले। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पर आप देखें यहां MBSL 2 और MBSL 1, ये क्या है? लोअर मोटर फॉर स्मूथिंग रिएक्टर। ठीक है, तो स्मूथिंग रिएक्टर से अपनी चर्चा हुई थी कि अंडर ट्रक में लगे हुए हैं, उन अंडर ट्रक में जो स्मूथिंग रिएक्टर लगे हुए हैं वो RSI ब्लॉक से कन्वर्टेड DC के पल्सेशंस को फिल्टर करने का काम करते हैं। पूरी तरीके से जो DC RSI ब्लॉक से बनती है उसमें कुछ ना कुछ AC पल्सेस रह जाती हैं, तो SL के अंदर भेजकर उन AC पल्सेस को अब्सॉर्ब करके प्योर DC बनाने का काम होता है। उस स्थिति में SL गर्म होते हैं, और जब SL गर्म होते हैं तो उन्हें भी हवा के द्वारा ठंडा किया जाता है। स्मूथिंग रिएक्टर कहां लगे हुए हैं? अंडर ट्रक में। तो ये जो स्मूथिंग रिएक्टर ब्लोअर मोटर लगी है तो ये फ्लोर में लगी हुई है, हमारे लोगों की फ्लोर में लगी हुई है। जब हम हाई टेंशन कंपार्टमेंट में यहां से दरवाजा खोलकर अंदर घुसते हैं तो पहले हमें नीचे जाली के नीचे MBSL 1 दिखती है और बाद में MBSL 2 दिखती है। SL 1 के लिए MBSL 1 और SL 2 के लिए MBSL 2 लगाकर रखी गई। उसके बाद आगे आते हैं तो यह पूरा का पूरा कंपार्टमेंट HTC 3 कहलाता है, हाई टेंशन कंपार्टमेंट नंबर 3। इसके अंदर हमें मिलता है BA2 और BA3। BA2 पैनल के अंदर आपको मिलता है J2 रिवर्सल नंबर 2, CTF2 एंड CTF3। CTF 1 2 3 तीन लगे हुए हैं, एक कहां मिला था? BA1 में। J1 और J2 दो रिवर्सल लगे हुए हैं, J1 कहां मिला था? BA1 में। और J2 और CTF2 एंड 3 BA2 के अंदर मिलते हैं। BA3 के अंदर यहां इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टैक्टर्स लगे हुए हैं, हर ट्रैक्शन मोटर का लाइन कॉन्टैक्टर L1 L2 L3 L4 L5 L6 छह लाइन कॉन्टैक्टर है। यहां सुबह हमने देखे थे फीडिंग सर्किट के अंदर, जब ये लाइन कॉन्टैक्टर क्लोज हो गए तभी ट्रैक्शन मोटर को सप्लाई मिलती है। तो ये लाइन कॉन्टैक्टर्स जो हैं इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टैक्टर्स हैं, क्योंकि ये हाई वोल्टेज सप्लाई फॉरवर्ड करते हैं, कॉन्टैक्ट बनाते हैं, इसलिए इन्हें भी हाई टेंशन कंपार्टमेंट के अंदर लगाकर रखा गया है। इनके अलावा फील्ड शंट कॉन्टैक्टर्स जो शंटिंग नॉचेस लेने पर फील्ड शंट रेजिस्टेंसेस को ट्रैक्शन मोटर की फील्ड के पैरेलल में ऐड करने का काम करते हैं, वो सारे फील्ड शंट कॉन्टैक्टर्स भी यहीं BA3 पैनल में मिलते हैं। और इसके अलावा CTF 145 फ्रैक्शन एंड ब्रेकिंग कॉन्टैक्टर, फ्रैक्शन एंड ट्रैक्शन कॉन्टैक्टर CTF 145, जो कि ट्रैक्शन के दौरान हमेशा ओपन रहता है, डायनेमिक ब्रेकिंग के दौरान क्लोज होता है। कॉन्टैक्टर है, उसके क्लोज होने से ही CTF ऑपरेट होते हैं और डायनेमिक ब्रेकिंग का सर्किट कंप्लीट होता है। तो वो भी यही मिलता है BA3 के अंदर। तो BA3 में हमें लाइन कॉन्टैक्टर, फील्ड शंट कॉन्टैक्टर और CTF 145, इतने कॉन्टैक्टर्स मिलते हैं। इसके अलावा यहां अगर हम कॉरिडोर नंबर 1 की ओर देखें तो RSI 1 और RSI 2 RSI ब्लॉक है। जैसा हमारे डीजल लोको में अल्टरनेटर के द्वारा हम AC सप्लाई जनरेट करते थे और ट्रैक्शन मोटर को DC देने के लिए उसे PDR पावर डायोड रेक्टिफायर के अंदर भेजते थे, जहां डायोड्स के थ्रू AC को DC में कन्वर्ट किया जाता, उसकी जगह AC लोको के अंदर ये वही चीज है, रेक्टिफायर पैनल ही है, लेकिन एक की जगह दो लगे हुए हैं और इन्हें नाम दिया RSI 1 एंड RSI 2। इनके अंदर भी सिस्टम वही है, डायोड्स लगाकर रखे गए हैं, डायोड्स की मदद से AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट किया जाता है। जब AC को DC में कन्वर्ट करते हैं तो डायोड्स गर्म होते हैं, उन डायोड्स को ठंडा करने के लिए MVSI 1 और MVSI 2 इन्हीं RSI ब्लॉक के नीचे से ऊपर की ओर लगी हुई हैं। जब वो ब्लोअर मोटर्स काम करती हैं तो RSI ब्लॉक में हवा के द्वारा डायोड्स को ठंडा करने का काम किया जाता है। इन RSI ब्लॉक के ऊपर मोटर्स और इनकी ऑक्सिलरी के लिए जो स्विच है HVSI 1 एंड 2, वो भी यही कॉरिडोर नंबर 1 में इन्हीं ब्लॉक के ऊपर लगा हुआ मिलता है।
HVSI 12 दो ऐसे स्विचेस हैं जो स्विच बोर्ड की बजाय RSI ब्लॉक के ऊपर लगाकर रखे गए हैं और कॉरिडोर नंबर 1 के अंदर मिलते हैं। सुबह चर्चा हुई थी कि इन स्विचेस की पोजीशन क्या है, 0, 1, 2, 3 पोजीशन वाले स्विच है ये। हर पोजीशन पर कैसे कैसे काम होता है उसकी भी चर्चा सुबह हो चुकी थी। 0 पोजीशन पर ऑक्सिलरी और रिले दोनों काम नहीं करती, 1 पोजीशन पर ऑक्सिलरी और रिले दोनों काम करेंगी, सेकंड पोजीशन जो है वो रिले टेस्टिंग पोजीशन है, मेंटेनेंस स्टाफ के लिए है, सेकंड पोजीशन पर रखने से ऑक्सिलरी काम नहीं करती, सिर्फ रिले काम करती है। और अगर उस स्विच को 3 नंबर पोजीशन पर रख दिया जाए तो 3 नंबर पोजीशन पर रखने से ऑक्सिलरी काम करती है, रिले सिस्टम से बाईपास हो जाती है। तो यदि लाइन पर लोको पायलट को कभी कोई तकलीफ आती है उस पर्टिकुलर रिले की ऑक्सिलरी की रिले की वजह से डीजे ट्रिप होने या गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है तो उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि वो उससे संबंधित स्विच को 3 नंबर पर रखें और रखने के बाद जो काम रिले कर रही थी उस मशीन की कार्य को जो वाच कर रही थी वो अब लोको पायलट को वाच करना रहता है कि वो मशीन ठीक ढंग से काम कर रही है या नहीं और गाड़ी चला ले। उसके बाद यहां पैनल बंद हो जाता है, बाहर आ जाए तो बाहर आने पर इस तरफ है कैब नंबर 2, तो ये जो पोर्शन कहलाता है ये कैब नंबर 2 के पीछे का भाग कहलाता है। जैसे इधर कैब नंबर 1 के पीछे का भाग था उसी तरीके से इस तरफ अगर आ जाए तो हाई टेंशन के बाद का जो पोर्शन है ये कहलाता है कैब नंबर 2 के पीछे का भाग। और इस भाग में आप देखें तो लोको पायलट के पीछे आर्नो कन्वर्टर मिलता है। आर्नो कन्वर्टर एक रोटेटरी कन्वर्टर कन्वर्टिंग मशीन है जो कि सिंगल फेज एसी सप्लाई को 3 फेज एसी सप्लाई में कन्वर्ट करने का काम करती है। जो हमें लोको के ऊपर सप्लाई मिल रही थी ट्रांसफार्मर से TFWA ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर के द्वारा वो सिंगल फेज सप्लाई थी 380 वोल्ट सिंगल फेज एसी। उस सप्लाई को ऑक्सिलरी मशीन्स जो कि 3 फेज ऑक्सिलरी मशीन्स लगी हुई हैं इन्हें चलाने के लिए 380 वोल्ट 3 फेज एसी सप्लाई में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है और वो कन्वर्ट करने के लिए जो मशीन लगाई गई उसे बोलते हैं आर्नो कन्वर्टर। ये एक रोटेटरी टाइप का कन्वर्टर है जिसका इनपुट सप्लाई 380 वोल्ट सिंगल फेज एसी रहता है और ये जो आउटपुट देता है वो भी 380 वोल्ट 3 फेज एसी देता है और उसी 380 वोल्ट 3 फेज एसी से सारी की सारी 3 फेज अगली मशीन चलाई जाती है। यहां देखें आप उसके बाद MVMT 2 लगा हुआ है, तो जैसे उधर MVMT 1 था वैसे इधर MVMT 2 है। ट्रैक्शन मोटर ब्लोवर मोटर 2 और MVMT 2 बोगी नंबर 2 पर लगी हुई है। बोगी नंबर 2 के साथ जो ट्रैक्शन मोटर है वो है 4, 5 और 6 नंबर, तो MVMT 2 के द्वारा हवा भेजकर ट्रैक्शन मोटर नंबर 4, 5 और 6 को हवा के द्वारा ठंडा करवाने का काम किया। इसी के साथ साथ आप देखें यहाँ एक CHBA बीए बोले तो बैटरी और सीएच चार्जर, बैटरी चार्जर असेंबली। इन गाड़ियों में सुबह चर्चा हुई थी 10 बैटरी लगी 110 वोल्ट डीसी सप्लाई की, उन बैटरियों को चार्ज करने के लिए बैटरी चार्जर असेंबली लगाकर रखी गई है। ये आर्नो कन्वर्टर से सप्लाई लेती है 3 फेज सप्लाई और 110 वोल्ट डीसी कन्वर्ट करके बैटरियों को चार्ज करवाने और साथ ही साथ कंट्रोल सर्किट को 110 वोल्ट डीसी सप्लाई देकर देने का काम करता है। इसकी वर्किंग को वाच करने के लिए एक पायलट लैंप लगा हुआ है LSCHBA जो ड्राइवर डेस्क पर है। जब तक ये बैटरी चार्जर काम करता रहता है वो लैंप बुझा रहता है, यदि बैटरी चार्जर ने काम करना बंद कर दिया या आउटपुट देना बंद कर दिया तो LSCHBA की बत्ती जल जाती। वेरी गुड। उसके आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ C118 और R118 लगा हुआ है। C118 आर्नो स्टार्टिंग फेज कॉन्टेक्टर कहलाता है और R118 जो है वो रेजिस्टेंस है, आर्नो स्टार्टिंग फेज रेजिस्टेंस। आर्नो को जो हम सप्लाई दे रहे हैं सिंगल फेज एसी दे रहे हैं 380 वोल्ट्स की, तो सिंगल फेज सप्लाई में किसी भी मशीन को रोटेट करवाने के लिए फेज स्प्लिट करने की जरूरत होती है। उस फेज को स्प्लिट करवाने के लिए C118 कॉन्टैक्टर को पिकअप करवाकर R118 रेजिस्टेंस ऐड करते हैं और इस रेजिस्टेंस के ऐड होने से फेज स्प्लिट होता है और आर्नो की जो रोटेटरी मशीन है वो घूमना शुरू हो जाती है और 3 फेज आउटपुट मिलना चालू होता है। तो ये था कैब नंबर 2 के पीछे आर्नो कन्वर्टर MVMT।